जिग्नी पे हर टाइम मतलब वैकेंसी रहता है, हर महीना में वैकेंसी बनता ही बनता, हर समय ऑल टाइम यहाँ पे वैकेंसी बनता है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को स्टे ट्यून करते रहिए, ठीक है, देखते रहिए। हाय सभी को गुड आफ्टरनून, और आज का वीडियो स्पेशल रहेगा दोस्तों। आज लोग का आप कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखते रहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मिस्टर अमित रॉय, आप बोलते हो कि मैं हमेशा एक ही तरह का वीडियो बनाता हूँ। हाँ मैं बोलूँगा, मैं एक ही तरह का वीडियो इसलिए बनाता हूँ, कंटेंट मेरा इसलिए रहता है कि हर किसी का सवाल एक ही रहता है। नया व्यूअर्स है, उनको पॉसिबल नहीं है कि वो मेरा पिछला वीडियो देखे, तो इनके लिए मुझे जो कमेंट आता है ये मैं नया वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए जो भी मेरा वीडियो देखता है तो उसको पता चलेगा, खासकर आप देखते हो उनके लिए आपको पता है। तो थैंक्स कहूँगा आप मेरा वीडियो देखते हो और कमेंट किए हो, और ये कमेंट का सवाल यही है कि मुझे वही चीज़ रिपीट करना पड़ता है। और दूसरी बात, क्योंकि मैं यहाँ का वैकेंसी इसलिए नहीं बताता हूँ, कौन सा कंपनी में वैकेंसीज है नहीं है इसलिए नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप घर से यहाँ पर आते हो तो आते आते वो वैकेंसी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आज अगर वैकेंसी है ना तो आज ही वहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आदमी ही इतना है। क्योंकि आप अगर हाँ इंजीनियरिंग कोई भी रिलेटेड हो इंजीनियर से, या फिर आप टेक्निकल हो, तो टेक्निकल और इंजीनियर के लिए या फिर मैनेजर बड़ा बड़ा पोस्ट के लिए वैकेंसीज खाली रहता है, 4-5 दिन, 1 हफ्ता तक 1 महीने तक खाली हो सकता है, क्योंकि उनको सही तरह का मतलब जितना उनका कैपेबिलिटी है उनको सही तरह का, जैसे वो लोग सुइटेबल कैंडिडेट ढूंढता है वही कैंडिडेट को चाहिए होता है। बट एक फैक्ट्री में वर्कर का काम करने के लिए आपको सुइटेबल कैंडिडेट का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेहनती हो तो आपको ले लेता है, आपका आधार कार्ड ही बस काफ़ी है, आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है एज ए हेल्पर काम करने के लिए। या फिर आप टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल के लिए थोड़ा वैकेंसी होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि हर जगह में टेक्निकल फील्ड ज़्यादा छोड़ता नहीं है। अगर आप जूनियर इंजीनियर या फिर इंजीनियरिंग का भी काम करते हो इंजीनियर्स का कोई भी फैक्ट्री में, तो लोग ज़्यादा छोड़ता नहीं है, तो इसलिए आपको पहले ट्रेनिंग का काम करना पड़ता है। अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन वगैरह तो आप आकर के आप ढूंढ सकते हो। और दूसरा बात, जो मेरा वीडियो को आकर के बेंगलोर में लैंडिंग करता है, बेंगलोर का किसी भी प्लेस में लैंडिंग करता है, तो उनको मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता चल जाता है, खुद ब खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर आकर के और वीडियो देख के फायदा नहीं, अगर मैं जाऊँगा तो आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को, अगर आप मेरा वीडियो घर से देखते हो, मतलब आप आउट ऑफ कर्नाटका से देखते हो, इंडिया का कहीं भी कोना से, तो आपको मेरा दिखाना काम है कि यही मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आओगे तो कोई भी परेशानी पे झेलना नहीं पड़ेगा, एक हो सकता है 1 हफ्ता के लिए। जो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा, और यहां पे आपको हर टाइम जिग्नी पे हर टाइम मतलब वैकेंसी रहता है, हर महीना में वैकेंसी बनता ही बनता है, यहाँ के नहीं कि आपको यहाँ पे वैकेंसी नहीं बनेगा, हर समय ऑल टाइम यहाँ पे वैकेंसी बनता है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को स्टे ट्यून करते रहिए, ठीक है, देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए मेरा सैटेलाइट है, मेरा तो नहीं है, मेरा दोस्त का है, कि जहाँ पे रहता है, तो ये भी झारखंड से है, मैं आपको बताता रहता हूँ मेरा यहाँ पे झारखंड का सभी जो है झारखंड से है। तो आज मैं बताऊँगा दोस्तों, तो अगर आप बेंगलोर आना चाहते हो तो बेशक मेरा वीडियो देख करके आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे एक दोस्त ने कहा था, कमेंट में देखा था, देखो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा दोस्त, ठीक है, कोई पैसा का बात तो नहीं है, पैसा हाँ चाहिए, नहीं चाहिए नहीं, पैसा आपको चाहिए। अगर आप कोई भी काम ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको कंसल्टेंसी के द्वारा जाएंगे तो आपको कंसल्टेंसी लेगा ही, बट कंसल्टेंसी से फंसने से पहले आप खुद कोशिश कीजिए, आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो आप जा करके कंसल्टेंसी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंडर में आप काम करेंगे वो एक ब्रोकर रहता है, ब्रोकर मतलब एक थर्ड पार्टी रहता है जो आपको बीच वाला काम करेगा, ब्रोकर का मतलब इसे ब्रोकर नहीं कहेंगे, इसे हम कोई भी क्या कहेंगे यार, चलो छोड़ दो, ये दूर का बातें बाद आप समझ जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त, अगर आप जिग्नी पे आ रहे हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बोमचंद्रा का, बोमचंद्रा में कहाँ पे आपको पर मंथ में आपको वैकेंसीज रहता है वो, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप घर से आ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है 10 दिन के अंदर में, या फिर आते ही जॉब नहीं मिला, 1 महीना हो गया जॉब नहीं मिला, आपको जॉब चाहिए आती, तो इससे हमें आपको करना क्या, आप कोई भी कंपनी में जा करके ऐसा जॉब ढूंढ सकते हैं, मतलब कोई भी कंपनी, ये सब कंपनी में जा करके आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको वहाँ पर डेफिनेटली जॉब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज रहता है, सैलरी ज़्यादा नहीं रहता है, सैलरी मतलब 10-12 हज़ार के अंदर में रहेगा, तो वहाँ पर आप जाकर के आपको काम कर सकते हो कुछ दिन के लिए। तो ऐसा कंपनी का नाम बताऊंगा, आज मैं जिग्नी का बताऊंगा, और नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा बोमचंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा यहाँ पे बिग बास्केट का। बिग बास्केट एक डीसी है, बहुत बड़ा डीसी है, और यहाँ पे क्या होता है, काम होता है, बहुत लड़का लोग काम करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह आप ऑर्डर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, खाना वगैरह यहाँ का, फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह यहाँ का बड़ा बड़ा इंसान लोग, बड़ा लोग घर बैठे यहाँ पर ऑर्डर करता है, तो वो ऑर्डर को आपको यहाँ पर पैकेजिंग करना पड़ता है, या फिर वो ऑर्डर को आपको एक जगह से निकाल करके पैकेज करने के लिए मदद करना होता है, वही आपका काम रहेगा। और दूसरा काम हो, यहाँ पे बिग बास्केट डीसी में काम कर सकते हैं। और दूसरा काम, अब यहाँ पे याजा की प्राइवेट लिमिटेड है, याजा की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर आ करके आप काम कर सकते हो। बाद में हम क्वालिफिकेशन का बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 घंटा होता है, ये दोनों 8 घंटा होता है। और बात करेंगे, और एक यहाँ पे
यहाँ पे सुटेक्स बोल के एक कंपनी है, सुटेक्स जो लाइफस्टाइल का है एक कंपनी है, कंडेम्प मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे भी आप आकर काम कर सकते हो। और तीसरा हुआ, बहुत सारा है बट तीसरा हुआ है कि यहाँ पे बेकरी का फैक्ट्री है, बेकरी में आकर के काम कर सकते हैं। और लेडीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप कोई भी गारमेंट्स में आकर काम कर सकते हैं। यहीं पर एक गारमेंट्स है रिचा ग्लोबल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन पावर का जरूरत होता है, हर टाइम में जाएंगे आपको ले लेगा। और उनके बाद में आप थोड़ा दूर आगे जाएंगे ओमेक्स सर्कल में, जो बॉम्बे चंद्रा इंडस्ट्रियल का थोड़ा करीब है, वहाँ पर भी आपको जॉकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिलेगा, वहाँ पे भी आपको हर समय वैकेंसीज मिलेगा। तो अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। देखो दोस्त, यहाँ पे अगर आप बिग बास्केट में काम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहिए होता है, मतलब पढ़ना और लिखना आना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे मोबाइल से काम है, डिवाइस का काम है, और आपको जितना भी प्रोडक्ट्स मिलेगा वो इंग्लिश का वर्ड में ही अल्फ़ाबेट में लिखा रहेगा। तो आपको मिनिमम 10th पास होने से भी आपको इंग्लिश पढ़ना आना लिखना चाहिए। और दूसरा बात, याजकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे भी रहता है, तो यहाँ पे भी आप 8 घंटे का काम है, यहाँ पे खाना पीना फ्री मिलता है। हाँ, खाना पीना का बात करो, खाना पीना वहाँ पे भी फ्री मिलता है बिग बास्केट में भी, और यहाँ पे भी फ्री मिलता है कहाँ पे, याजकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो यहाँ पे विदाउट टेक्निकल काम, मैं यहाँ पे टेक्निकल वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट टेक्निकल मतलब जिनको आकर ही काम चाहिए, तो व्याजा की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आ सकते हो। यहाँ पे 10th पास का जरूरत है, 10th पास सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, विदाउट सर्टिफिकेट आपको काम नहीं मिलेगा। और प्लस 25 का नीचे चाहिए, मतलब 25 होने से भी आपको ले लेगा, एक्सपीरियंस नहीं हो चाहे ना हो आपको कोई मतलब नहीं। और दूसरा बात, यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, तो लाइफ स्टाइल में क्या है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी खाना फ्री मिलता है, 8 घंटा का काम होता है, शिफ्टिंग चलता है, और वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ के लिए दोनों बराबर है। यहाँ पे भी यादा की में भी जेंट्स और लेडीज़, तो वहाँ पे भी खाना मिलता है फ्री, ड्रॉप एंड पिकअप भी फ्री है, 8 घंटा का काम होता है। तो क्लियर, सिर्फ आधार कार्ड का जरूरत है। अभी चलते हैं रिचा ग्लोबल में। रिचा ग्लोबल में क्या है, आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आपको काम मिल जाएगा, ये आप चेकर वगैरह में कर सकते हो। अगर 10th पास हो, अगर आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट है, तो आप टेलरिंग में घुस सकते हो, वहाँ पर टेलर का ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। और तनख्वाह भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और 3 महीने के बाद में आपका प्रमोशन हो जाता है एज ए ट्रेलर। अगर आप ट्रेलर में जाते हो तो आपका सैलरी भी थोड़ा हाइक होता है, मतलब आप 15 का बीच में रहता है पीएफ वीएफ कट के, बट आपको वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला था बेकरी में, तो बेकरी में वैकेंसी रहता है, बेकरी में भी जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ पे भी शिफ्टिंग होता है, वहाँ पे पढ़ा लिखा का कुछ जरूरत नहीं है, आधार कार्ड होने से आपको काम मिल जाएगा, बट वहाँ पे आपको खाना नहीं मिलेगा। सो मैंने आपको 4 का बताया, मैं नेक्स्ट बताऊँगा बोमा चंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में। ये जो फैक्ट्रीज बताई है ये नॉन टेक्निकल के लिए है, अगर आपको किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो वो लोग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, जब तक उनको अच्छा काम ना मिले। तो मेरा बताने का ये मकसद यही था, तो अमित मैंने आज बता दिया। तो ये जिनको ज़रूरत का काम में, ज़रूरत में ये फैक्ट्री सब काम आता है, मतलब आते ही आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर कंप्लीट किसी ने देखा तो सही आपको पता चला, अगर नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, थैंक यू के लिए, और मुझे सपोर्टिंग करते हो, ढेर सारा प्यार मिला है मुझे अब लोगों से, इसलिए बहुत सारा धन्यवाद अब लोगों को मेरी ओर से। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे और मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।